होंगे और मम्मी जी ने हाथ में पहनी है चूड़ियाँ, दिखाओ भला। ओहो, ये कौन लाया था? शशि चंबा कहाँ से? मिंजर से। मिंजर मेले से। तो अभी ये है हमारे पास कुदाली, 4 फुट की कुदाली। कुतो गानो। घर के गोबर गया ना घास उठनो। अरे अच्छा, पानी देनो गोरा ने। अरे और बेचारे ते मारी जेब सोखने। अच्छा एबरान। तीसा चुरा के कहावत मशहूर है कि रिक छटता पर चुराई न छटता, मतलब कि एक रिच से शायद आप बच सकते हैं पर एक चुराए की पकड़ से नहीं। गाइस गुड मॉर्निंग, सो दिस इज मी सुरेंद्र खन्ना एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी सीधा मिंजर से खेतों में, बिकॉज अभी खेतों में चला है मटर का सीजन, अभी मटर बोने का काम चला है खेतों में। सो अभी आया हूँ मटर बोने। सो अभी दिखाता हूँ आज की प्रोग्रेस, फिलहाल अभी तो 4 बज रहे हैं। सो अभी यहाँ की लोकेशन है ऐसी, और फिलहाल अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे हम यहाँ यहाँ जो छोटा सा गांव दिख रहा है वहाँ पे शादी को। उससे पहले दिखाता हूँ आपको आज की प्रोग्रेस। तो अभी सुबह बैल जोते थे और नीचे वाला खेत किया था, ऊपर वाले में अभी जोते हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हो, और यहाँ से इस साइड वहाँ पे हैं मम्मी जी। अभी इतना कर काम हुआ, अभी बीज नहीं डाला है, बीज डालेंगे बाद में। ये आ रहे हैं बैल। अभी यहाँ भी चला है काम। हे गाइस, अभी जा रहे हैं शादी को, तो अभी चलते हैं। और पीछे हैं, कौन है पीछे? बारिशों। हाय हेलो। सो गाइस, ये हैं मम्मी जी, आप लोग जानते ही होंगे। और मम्मी जी ने हाथ में पहनी है चूड़ियाँ, दिखाओ भला। ओहो, ये कौन लाया था? शशि कहाँ से? चंबा मिंजर से। मिंजर मेले से। तो अभी चलते हैं, फिलहाल रात होने वाली है नहीं तो। तो अभी टाइम 6:30 हो रहे हैं, और यहाँ से मैंने और ब्लॉग स्टार्ट यहाँ से किया था, और अभी जाना है यहाँ इस गांव में। तो अभी चलते हैं। तो अभी मैं आया ऊपर मक्कियों के खेतों से, कुखड़े हैं ना बात है ता मैं नम्मा था क्या चिल्ली पच्ची। शिवनगरी पहुंच चुके हैं, और अभी करीबन 15 मिनट का रास्ता बच गया उतराई। अब सुबह लगेगी सीधे चढ़ाई। सो ये है शिवनगरी स्वाई, ये है शिव जी का मंदिर। और अभी हम आए हैं यहाँ से ऊपर, जहाँ पर फॉग ही फॉग है, वहाँ से। तो फिलहाल अभी चलते हैं। नीचे पहुंच चुके हैं बिल्कुल, और ऊपर इससे भी ऊपर जहाँ फॉग है वहां से आए हैं। हे राम।
झाड़ी लगी हे गाइस, तो अभी तीसरे दिन ब्लॉग शूट कर रहा हूँ बिकॉज दो तीन दिन ब्लॉग बनाया नहीं। और अभी आगे हैं सीधे खेत, करते हैं स्टार्ट। अभी है मटर का सीजन यहाँ पहाड़ों में, और अभी मटर बो रहे हैं। बिल्कुल अभी फर्स्ट खेत चला है, अभी चार जगह पे मटर बोने हैं। तो अभी देखते हैं कि कैसा होता है काम, दिखाता हूँ आपको। अभी वहाँ पे लगी है मटर की बुआई, और अभी इतना कुछ करना बाकी है। अभी बो रहे हैं वहां पर, यहां पर बो दिए और वहाँ पर बो रहे हैं। सो अभी करीबन 10 दिन का एस्टीमेट लगाया हमने, 10 दिनों में हम ख़त्म कर देंगे अगर बारिश नहीं आई। अगर बारिश आई तो फिर तो माहौल ख़राब हो जाता है, कीचड़ी कीचड़ हो जाती है। अभी फ़िलहाल कीचड़ ही है, बट ये पहले ही बैल जोते हुए थे, मतलब बनाया हुआ था सब कुछ। ये आप देख सकते हो, डब्बे बना रखे थे पहले से, तो इतना इफ़ेक्ट पड़ा नहीं बारिश का। जैसे ही मौसम थोड़ा शांत हुआ, धूप लगी, तो लग पड़े काम करने, लेकिन बाकी जगह पे अभी तक हल जोतनी है और देखते हैं आगे। तो अभी वो लोग तो उस मोड़ पे हैं, ये देख रहे हैं आपको, और यहाँ से कुदाली से ही खोद खोद के ऐसे बनाई हैं चिड़ियाँ वहाँ तक लाइनें। और यहाँ की लोकेशन अभी थोड़ी धूप लगी है, और अभी यहाँ की लोकेशन कुछ ऐसी है। और ये नीचे वाली लोकेशन, यहाँ से नीचे ये सड़क वाली साइड है, ये एक नीचे वाली रोड जो कि ये भी चंबाई जाती है धारगढ़ के लिए, और ये एक ऊपर वाली, ये भी चंबा जाती है, लेकिन ये नीचे वाला शॉर्टकट है और ऊपर वाली थोड़ी घूम के आती है। तो अभी यहाँ तक काम हो चुका है, और अभी यहाँ पे आयत के कार की है ये चाड़ियाँ, तो यहाँ पर थोड़ा ख़राब हो गया है बिकॉज आगे है दूसरे लोगों का खेत, और जब बैल मोड़े थे तो यहाँ ख़राब कर दिया है। अभी ये फिर से ठीक करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले दिखाता हूँ आपको एक बहुत बढ़िया चीज़। तो अभी ये है हमारे पास कुदाली, 4 फुट की कुदाली या 3.5 फुट, इतनी कर इसकी हाइट है। और ये स्पेशल यहाँ पर ऐसे लकीरें लगाने के लिए बनाई है। अभी चला है मटर का काम, आपको पता ही है, और इसके लिए ऐसी ऐसी लकीरें लगानी पड़ती हैं जैसी आपको दिख रही होंगी। और ये मेरे इधर तक आ रही है, अभी मेरी कमर तक आ रही है। सो अभी चलते हैं काम कर। सो अभी इस कुदाली का काम क्या है दिखाता हूँ। अभी इस कुदाली का काम ऐसे है कि पीठ में दर्द नहीं होगी, ऐसे खड़े काम हो जाएगी। और ये लकीर 1, 2 और ये 3, और ऐसे करके तो ये है लाल कलर का बीज, सब डालेंगे।
सो भी ये तो थी बीज डालने की, मटर के बीज डालने की प्रोसेस। अब डालेंगे राजमा के बीज। अभी ये हैं ऐसे वाइट कलर के, ये होते हैं मटर के खेतों में, और जो रेड वाले होते हैं वो होते हैं मक्कियों के खेत में। सो अभी बोते हैं इनको। सो अभी ये बोएंगे निचली साइड खेत के, जो ये आयत जैसी बनी हुई है डिब्बा, जिसको चड़ी बोलते हैं हम, तो उसके निचली साइड बो रहे हैं अभी। और आप उधर पीछे लास्ट तक देख सकते हो, वहाँ से हमने करीबन 2 बजे स्टार्ट किया था और अभी टाइम लगभग 5 बज रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं हम। वहाँ से वहाँ तक करना है अभी थोड़ा सा। अभी यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है, अभी यहाँ से ऊपर बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो कल करेंगे। अभी इनको थोड़ा हम मिट्टी डालेंगे, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे, इनको थोड़ा दफन कर देंगे दफना देंगे। और सामने रोड के हाल काफ़ी बुरे हैं, छिड़ गई है छिड़। और अभी शाम का व्यू, आय हाय 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 हाय। और ये है हुसनी कुमार, और ये अपने हुसनी कुमार। तो अभी यहाँ तक ये इतने कर बीज मिट्टी में दफना दिए हैं वहाँ तक। और यहाँ से आगे का सीन कल सुबह होगा, तो अभी शाम हो गई है और रात होने वाली है। तो ये था काम आज का, और अभी इसके बाद करेंगे कल, और कल बाल भी धो के आएंगे। आज तो नहीं धोए थे, मुंह भी नहीं धोया था, और फिलहाल ऐसा ऐसा काम है, बिकॉज काम तो करना ही पड़ता है चाहे जिस तरह का काम हो। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी काम कर रहा हूँ, मैं डबल काम कर रहा हूँ साथ में, तो फल भी मिलेगा, सबको मिलता है, हमें भी मिलेगा। और मटर का काम करेंगे तो इसका भी फल मिलेगा। सो कुदाली देखी आपने बहुत लंबी, और मटर बोने का सिस्टम देखा आपने थोड़ा बहुत कल दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगे गुराड़े हाथ काने न एड़े, हां गुरम पान देणो। अच्छा कब्र के है ना? हां ऐ तू तू और पानो। हां अरे साधे कुतो गानो तेरे के गोबर के है ना घास टणो। हां अरे पान देणो गोरा ने। अच्छा अरे और बेचारे ते मारी जेब सोखने। अच्छा एवरन कई घास टणो पानी देणो गोरा ने। हां गोबर के है ना। अच्छा दादू नहीं बगैर बगैर बाड़ू काम घर के है। अच्छा तो कहते मैं होती ऐतिया काम होता है।